हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गूंद कतीरा शरबत। अगर आप कोई ऐसा शरबत ढूंढ रहे हैं जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट भी दे, तो इससे बेहतर शरबत जो है वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बाउल में गूंद कतीरा लिया है, एक बाउल में चिया सीड्स, एक बाउल में चीनी पाउडर और एक बाउल में हमने नींबू लिए हैं। उसके बाद ये देखिए जलजीरा मसाला जो है वो हमने यहाँ पर पाउडर लिया है, और जितनी भी सामग्री है वो सारी हमने एक जगह पर रख ली है। और गूंद कतीरा चिया सीड को हमने भिगोने रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये देखिए हमारा जो गूंद कतीरा है वो बहुत ही जेली सा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो 2 गिलास हमने यहाँ पे लिए हैं, उसमें हमने गूंद कतीरा जो है वो ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। एक बार आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके हमने चीनी पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने नींबू का जो जूस है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लिया है। और उसके बाद जलजीरा का जो मसाला है, मसाला पाउडर, उसको भी हमने थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ही लिया है, आप चाहे तो आइस क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये गर्मियों का एकदम रामबाण है, और शरीर को ठंडक देने के साथ साथ हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है हेल्थ। और ये देखिए हमने यहाँ पे चिया सीड्स भी इसमें ऐड कर दिया है, तो इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट है। तो एक बार आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने काला नमक जो है वो इसमें ऐड किया है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आपका ये जो शरबत है वो किस तरह से आपने बनाया है और आपको कैसा लगा। तो ये देखिए हमारा जो शरबत है वो बनकर एकदम रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।